Good morning, Swagatham, ladies and gentlemen. I am Sushmita, and it is my privilege in welcoming everyone present here in the hall to this wonderful seminar. The seminar is designed to deepen our understanding of the new labor code with a focus on ensuring social security for all. Our discussion will navigate the complexities of compliance with labor laws and significant changes expected within this framework. Our agenda today would also include two very critical training sessions. It would be on first aid training under the aegis of the Factories Act. This session is tailored to foster a culture of safety assessment of women at workplace, Act 2013. This training underscores our commitment to a respectful and a very secure workplace for everyone. Ek baar phir aaj ke is mahatvapurn samvad mein aap sabhi ka swagat. फॉस के बारे में जानकारी दी जाएगी। न्यू लेबर कोड जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इस गवर्नमेंट ने फर्स्ट 100 डेज का जो टारगेट है उसमें ये है कि हम न्यू लेबर कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे पास बहुत ही क्रीम इंडिया के जो मतलब टॉप के एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, श्री एस के गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। और इसके साथ में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास में डॉक्टर बीपी वशिष्ठ जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस से। तो मैं सभी का यहाँ पर अपना स्वागत करूँगा और हार्दिक अभिनंदन करूँगा। सभी लोग इसको सुने ध्यान से और नोट करें और इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। लीगल आईपीएल उत्थान समिति एनएससीए और लेबर लॉ रिपोर्टर के द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन रेडिसन एमडी होटल नोएडा में किया गया। इस सेमिनार में कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रमिकों एवं कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, इस विषय पर डॉक्टर बीपी वशिष्ठ सेंट जॉन एम्बुलेंस ने यहाँ पर उपस्थित कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के मालिकों एवं उनके एचआर प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एस के गुप्ता द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोकथाम के विषय में कानून पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में न्यू लेबर कोड जो कि जल्दी ही लागू होने जा रहा है उनके विषय में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के एचआर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और मालिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर महेश शर्मा थे। उन्होंने कार्यक्रम का दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। महेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रत्येक कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है जो कि निरंतर होते रहने चाहिए। इसके अलावा ललित ठुकराल चेयरमैन एनएसई और ऋचा अनिरुद्ध प्रोड्यूसर और एंकर भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। लेबर लॉ रिपोर्टर के स्पेशल एडिटर यजत कुमार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन पर अपना प्रेजेंटेशन दिया और आने वाले नए लेबर कोड में इससे क्या परिवर्तन किया गया उसके विषय में जानकारी दी। एस के गुप्ता ने कहा कि आने वाले न्यू लेबर कोड में प्रावधान किया गया है, यदि आपकी कंपनी में श्रमिकों का उत्पीड़न होता है तो श्रमिक सीधे आपकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और उसको लेबर कमिश्नर से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। लीगल आईपीएल के सीएमडी सतेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का नियम हर उस कंपनी पर लागू होता है जहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि आपकी कंपनी में कोई महिला कर्मचारी कार्यरत है या नहीं, और यदि कोई कंपनी अपने यहाँ आईसीसी नहीं बनाती है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए के हर्जाने का भी प्रावधान है। द्वितीय बार पकड़े जाने पर इस जुर्माने को डबल किया जा सकता है और तीसरी बार पकड़े जाने पर जिले के जिला अधिकारी को अधिकार है कि वो आपकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर सकता है। मशहूर टीवी पत्रकार और एंकर ऋचा अनिरुद्ध ने कहा कि प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे ताकि इस तरह की घटना हो ही ना, अतः इस तरह के कानून के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ललित ठुकराल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होने आवश्यक है ताकि कंपनी मालिकों एवं उनके कर्मचारियों को इन कानून के विषय में जानकारी रह सके, इससे उनको अपने यहाँ पर हर कानून का पालन करवाने में सहूलियत हो, क्योंकि कंपनी मालिक अक्सर श्रम कानून की जानकारी के अभाव में गलतियां कर देते हैं। इस कार्यक्रम में उपनिदेशक कारखाना गाजीबाद आलोक सिंह,
उपनिदेशक कारखाना नोएडा, ब्रजेश कुमार सिंह उपनिदेशक कारखाना मीरठ, रविंद्र सिंह अपर श्रमायुक्त नोएडा, सरजू राम उप श्रमायुक्त गाजियाबाद, अनुराग मिश्रा सहायक श्रमायुक्त नोएडा, सुभाष यादव सहायक निदेशक कारखाना, राम बहादुर यादव पूर्व सहायक श्रमायुक्त, के एन अग्रवाल पूर्व सहायक निर्देशक कारखाना, एस सी विश्वकर्मा मौजूद थे। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज़। नमस्कार।